योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विराट क्रेन इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। यहाँ पर ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस क्या है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर जो निवेश किया जा सकता है नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर विराट क्रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का जो बिजनेस ओवरव्यू है, कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर हम जो है जानने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है, उसका यहाँ पर हम जो है एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी का क्या करेंगे, यहाँ पर कैश फ्लोज देखते हैं। तो कंपनी के कैश फ्लोज को चर्चा करेंगे कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी के अंदर करंटली किस तरह से वर्कआउट हो रही है। शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर जो निवेश करना बनता है नहीं। प्रमोट होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर हमें जो है क्या सेंटिमेंट जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर कंपनी के किस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहेगा। कंपनी के बारे में बताओ तो विराट क्रेन इंडस्ट्री का यहाँ पर जो मेन जो कारोबार है वो है यहाँ पर इन द बिजनेस ऑफ प्रोक्योरमेंट एज वेल एज प्रोसेसिंग ऑफ यहाँ पर मिल्क, और मिल्क के रिलेटेड जो भी अलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, माने कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ घी हो गए, पनीर हो गया, तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी जो है खुद बनाती है। दुर्गा मिल्क नाम से जो है दुर्गा के नाम से जो है यहाँ पर दुर्गा मिल्क, दुर्गा कर्ड, दही, घी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है कंपनी जो है बना प्रोसेस करती है और उसको मार्केट में देती है, और उससे जो इस कंपनी का मेन कारोबार आते हुए देखने को मिलता है। कंपनी का करंटली मार्केट कैप की बात करूँ तो यहाँ पर 74.9 करोड़ का ये मार्केट कैप जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉक का पी 18.5 जबकि इंडस्ट्री का 42 का चल रहा है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 14.9% और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज 7.23% का ही देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी डेट की बात करूँ तो 6.58% के आसपास का डेट है, माने कि मोटा मोटी 9% के आसपास का जो यहाँ पर हमें डेट देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 26.4 की है जो कि मेरे सबसे अच्छी है, और 36.7 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। 44 का हाई प्राइस और 24.4 का लो प्राइस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम इस कंपनी को यहाँ पर बड़ी जो भी दूध की जो भी कंपनीज होती है अगर उसके साथ भी अगर यहाँ पर माना कि छोटे लेवल पर भी कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पर इस कंपनी का जो मेन जो बिजनेस है वो यहाँ पर फोकस्ड है, काफ़ी जो है स्मॉल रीजन में जो है यहाँ पर फोकस्ड होते हुए देखने को मिलता है। बल्कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, अमूल हो गई, पराग मिल्क हो गई, इस तरह की जो भी कंपनीज होती है, एक्सपेंशन सुमूल हो गया, एक्सपेंशन कंपनीज हो गई, तो उन सबका जो बिजनेस प्रोक्योरमेंट है वो यहाँ पर वाइड रेंज वाइड जो यहाँ पर कैटेगरी होती है उस पर जो फोकस होते हुए है देखने को मिल रहा है। सो इस तरह की जो कंपनीज होती है उनका जो रिस्क रहता है वो भी यही रहता है कि यहाँ पर अगर इतनी बड़ी कंपनीज कभी यहाँ पर इस तरह के जो ये जो मार्केट में काम करती है अगर वहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर इस तरह का जो रिस्क एपेटाइट है वो यहाँ पर इस तरह कंपनीज को जो है हमेशा जो है अपने पास रखना पड़ता है। क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से कंपनी नतीजे को देखते हैं तो मार्च 2023 की जो नतीजे देखते हैं कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर पिछले साल के मार्च 2022 से तो यहाँ पर कंपनी जो भी रेवेन्यू है उसके यहाँ पर हमें जो है 20% के आसपास की जो यहाँ पर हमें टॉप लाइन जो है देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पर दिसंबर 2022 का कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो है कंपनी ने 8.77 करोड़ का जो है अपने कंपनी ने घाटा खाया था अदर इनकम के थ्रू, यहाँ पर जो है कंपनी को लॉस हुआ है, बट मोटा मोटी जो कंपनी इनकम जो कंपनी बिजनेस प्रॉस्पेक्ट हो रहा है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर मार्च की बात करें तो 1.92 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर यहाँ पर कंपनी ने जो है 1.06 करोड़ का जो यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। डेफिनेटली प्रॉफिट का जो लाइनअप है वो जो है थोड़ा बहुत काफ़ी तरह जो है कम देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर जैसे जो है डिजिटलाइजेशन आता है तो यहाँ पर स्लोली एंड स्टडली आई थिंक यहाँ पर जो है हमें कंपनी का जो फोकस्ड है वो थोड़ा बहुत जो है न्यू जनरेशन की ओर जाता है, तो काफ़ी ज़रा जो है अच्छा यहाँ पर स्कोप जो है देखने को मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज यहाँ पर कंपनी अगर इतना अच्छा सा जनता 30 करोड़ का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी एक तरह से देखें तो इतना भी कम नहीं है, बट यहाँ पर अगर जो स्केल पे कंपनी काम करती है अगर यहाँ से अगर 2 या 3-4 गुना कंपनी का यहाँ पर जनता हो जाता है तो यहाँ से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी कंपनी मार्जिन के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी फोकस जो है यहाँ पर हमें ध्यान देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग मेजोरिटी 74.5% की तगड़ी होल्डिंग यहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स के पास है, और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर सिर्फ 25.5% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर हमें जो पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। अदर देन दैट कैश फ्लोज के ऊपर फोकस करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिससे मैंने आपको बताया कि कैश फ्लोज के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दैट इज डेयरी के रिलेटेड जो कंपनी प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग का जो काम है उसके अंदर जो यहाँ पर रिसीवल्स के अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात जो है फॉर अ टाइमिंग देखने को नहीं मिल रही। 10 करोड़ का जो आंकड़ा है मार्च 2023 का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इन्वेस्टिंग के अंदर -11 करोड़, और यहाँ पर फाइनेंसिंग के अंदर 1 करोड़ का जो नंबर है वो यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो वोलेटिलिटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है, मोमेंटम डेफिनेटली कंपनी के पास मेजॉरिटी चंक जो कंपनी
ट्रेडर्स के पास है, बट यहाँ पर लिक्विडिटी कम है मार्केट में, तो यहाँ पर मोमेंटम एज वेल बायर सेलर का जो यहाँ पर जो मेल होता है वो भी थोड़ा बहुत जो है मुश्किल जो है देखने को मिलता है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पर जो है कंपनी ने -12.9% का रिटर्न दिया है, 13 रुपये का हाई लो प्राइस और 52.2 का हाई प्राइस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की सबसे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर निवेश जो है करना चाहिए या नहीं, सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो रिस्क एपेटाइट जो यहाँ पर हमें जो है फॉर टाइमिंग देखने को मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पर रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। अगर यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी अगर जंप कर लेती है ये ही छोटे सेक्टर के अंदर भी, छोटे रीजन के अंदर भी, तो ये जो कंपनी है जो धंधा जिस तरह से आ रहा है वो रातों रात जो है यहाँ पर हमें चेंज होते हुए देखने को मिल जाएगा। डाउन साइड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो रिस्क एपेटाइट है वो डेफिनेटली रहेगा, और इसको जो है चैलेंज की जरूरत है कंपनी जो अपना बिजनेस यहाँ पर ग्रो करती है या किस तरह सस्टेनेबली करती है वो काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा। और एल्स यहाँ पर आप जो अपने वॉचलिस्ट में जो स्टॉक है वो रख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। स्लोली एंड स्लोली अगर कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू लाइनअप जो है अगर बनता है तो यहाँ पर जो पहला इंडिकेशन रहेगा टर्न अराउंड का, एक अच्छा सा सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से लॉन्गर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छा सा स्कोप जो है यहाँ पर हमें जो स्टॉक कंपनी के लिए देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि आपको विराट कोहली इंडस्ट्री कंपनी जो चैनल से यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।